बिलासपुर में कर्फ्यू के दौरान लोगों को खाना मुहैया करवाने के लिए मंदिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बिलासपुर भी आगे आया है। मंदिर अध्यक्ष, एसडीएम सदर व मंदिर अधिकारी तहसीलदार के दिशा निर्देशों के अनुसार मंदिर में जो चढ़ावे के रूप में अनाज रखा गया था उसे जिला रेडक्रॉस सोसाइटी बिलासपुर को दिया गया है। इस अनाज को जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। यहां बता दें कि कर्फ्यू के दौरान जिला रेडक्रॉस सोसाइटी बिलासपुर, प्रेस क्लब बिलासपुर व बाबा विश्वकर्मा मंदिर समिति सहित अन्य सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा खाना मुहैया करवाया जा रहा है। इस राशन को भी खाने के रूप में तैयार कर वैन के माध्यम से जगह जगह लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है। मैं यहां मंदिर न्यासाध्यक्ष एसडीएम साहब महोदय के और मंदिर अधिकारी तहसीलदार महोदय के आदेश हुए कि मंदिर में जितना भी चढ़ावे के रूप में अनाज एकत्रित हुआ है उस अनाज को जो अपने रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनके सचिव हैं उनको जो है वो उनके जो है वो पास उनको दे दिया जाए। और आज हमने उनको जो है उनकी गाड़ी आई और हमने उसमें उसको डाल करके जितना भी अनाज एकत्रित किया था वो सब हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव जी को दे दिया हुआ है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को भोजन मिल सके और कोई भूखा ना रहे। कई प्रकार के मजदूर बंधु आदि यहाँ जो भी हैं और उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, प्रशासन की तरफ से एक सराहनीय कदम उठाया गया हुआ है ताकि कोई भूखा ना रहे। बस ठीक।